बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अज दी एहो ही गुफ्तगू है कि खिदमत वालिदैन जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने माँ बाप की नेमत तो नवाजिया है, वो दोस्तां अगे अपील है कि वह अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी जिंदगी आखरत संवार लो। इस तरह दो भाई वड्डे ने निक्के ने वड्डे उत्ते केस कीता, केस हाई कोर्ट चला गया। केस लगा, पूछा गया भाई तू इसते केस क्यों कीता है? निक्के ने आखिया कि ये मेरा वड्डा भरा है, ये उम्र हो गई है 80 साल ते मेरी उम्र है 70 साल। छोटे की उम्र 70 साल सी ते वड्डे की उम्र 80 साल सी। निक्के ने वड्डे भाई ते केस कीता, कहदा कि वड्डे भाई ने 40 साल माँ की खिदमत कीती है, हुण मौका मैनू मिलना चाहिए, मैं भी माँ की खिदमत कर ला। तो वड्डा आंदा गल ये कि मैं हो गया वडेरा, होर तो मैं कोई नेक काम नहीं कर सकता, तो मैं माँ की खिदमत करके ही यो ही नेकी कमा ला। उन्हां दोवां भरावां दा आपस च यो ही केस चलता रहा। इन्ना प्यार माँ दे माँ बाप नाल कीता कि निक्का आंदा मैं माँ बाप की खिदमत करा, तो वड्डा आंदा मैं करा। असी की करने हैं जो माँ बाप वडेरा हो जाता है? पहले नंबर ते जो सियाने आते ने वडेरे कि बचपन दो वर आंदा ते जवानी एक वर आंदी, जो बंदा वडेरा हो जाता उदो फिर दोबारा बचपन आ जाता है। जो माँ बाप वडेरा होंदा तो माँ बाप का यह दिल करता कि बच्चे साढ़े कोल बहन, कोई दुख दियाँ सुख दियाँ करिए, साडा भी हक बनता कि असी भी बच्चों नाल हसीए खेलीए ते प्यार करिए, बच्चे साढ़े नाल प्यार करन। माँ बाप जिन्ना भी बाप थका आए बाहरों या माँ थकी होए, जो बच्चे माँ बाप नाल खेडते ने भावें बच्चे वडेरे हो जाए, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होंदे ना। बच्चों दियाँ दाड़ियाँ भावें चिट्टियां हो जाए, माँ बाप वास्ते बच्चे ही होंदे ने। उम्र जेड़ी भी होवे, जवानी दी होवे या बुढ़ेपे दी, माँ बाप जिंदा होवे ते माँ बाप दे कोल बहना चाहिए, माँ बाप नूं टाइम देना चाहिए। असी की करने आ जो माँ बाप वडेरा हो जांदा ना, तो दोवां दी मंजी किसी अलहदा कमरे में डा छड़ने आ। वडेरे ने खांसी करदे ने, बच्चे सौंदे नहीं, नींद नहीं आउंदी। यार अज तुसी जवान हो तो कल नूं वडेरिया भी होना, असी इंज प्यार करिए जिवें उन्हां दोवां भरावां ने प्यार किया कि एक दूजे दे ते केस किया। एक आखे माँ बाप की खिदमत मैं करनी है, दूजा आंदा माँ बाप की खिदमत मैं करनी है। असी की आने जो छोटे होंने ना उदों आने अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है, तो जो माँ बाप वडेरा हो जाता असी वड्डे हो जाइए तो असी पता की आने वो यार अम्मा तेरी है, दूजा आंदा अम्मा तेरी है। छोटिया होंदिया अम्मा मेरी बनती, तो वड्डिया होंदिया मेरी क्यों नहीं बनती? दोस्तों वड्डिया होया भी माँ उ होंगी है, ये पता चलेगा। सियाने की आते ने वडेरे आते ने जा रहा पिया ते जा वाह पिया, ये पता लगेगा जो माँ बाप की खिदमत मुतलक पुछ हुई कि तू माँ बाप की किन्नी खिदमत कीती सी। उलमा फरमाते ने कि सरकारे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम दे कोल एक जबरील अलैहि सलाम जदों तशरीफ लियाए एक टाइम ते, ते जबरील अलैहि सलाम ने फरमाया बदबख्त है वह बंदा जिन्ने जिंदगी च रमज़ान पाया
ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮੀਨ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮੀਨ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਜੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੋਹਣਿਓ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਂਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੈਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਡਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਖਲਾਸ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਡੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਹੱਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੱਸਦ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਗਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਸੋਗੇ, ਬਹੋਗੇ, ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ,
अज तुसी अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत करोगे, कल नूं तुहाडी औलाद तुहाडी अच्छी खिदमत करेगी। अजमाई हुई गल है। तुसी एक बार अपने माँ बाप के हाथ चुम दियो प्यार नाल, दुनिया तुहाडे हाथ चुमदी है। वह 100 साल का बुढ़ा भी होवे तो यार जी करके हो बोलद, पुत्र जी नेकी का काम किया वो तो सारे प्यार करते ने, करके तो वेखो अगर अच्छा सिला ना मिले मैं जुर्मदार हूँ। मैं सुनिया नहीं, करके वेख्या अलहमदुल्ला, सुनी सुनाई गल नहीं करता, करके वेख्या। तुसी एक बार माँ बाप की खिदमत करके तो वेखो, जे दुनिया तुहानू सलाम ना करे तो कहना कि बंदे ने कूड़ बोलिया। माँ बाप की खिदमत करो सची मुची, तुसी हज भी करोगे, तुसी उमरे भी करोगे, तुहानू जन्नत भी मिलेगी, तुहाडी आखरत भी सवर जाएगी, दुनिया भी सवर जाएगी, जमाना एहतराम करेगा इंशाल्लाह, मेरा ईमान है। अल्लाह ताला सानू सारयां मां बाप की खिदमत करन की तफीक ता फरमाए, अल्लाह ताला सानू सारयां नू रल के बहन की तफीक ता फरमाए। दिन खुशकी दे नरमी दे आउंदे रहिंदे ने, किसी कोल पैसे ज़्यादा हुंदे ने, किसी कोल पैसे घट हुंदे ने, कोई गरीब हुंदा कोई अमीर हुंदा, अमीरत पैसे नाल नहीं आउंदी मेरे दोस्तों। अमीर वो बंदा जिहड़ा मां बाप की खिदमत करता है, वो बंदा गरीब है जिहदे कोल लखां रुपये भी हैं लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं मिलिया, वो बंदा गरीब है। मैं दुनिया तो गरीब समझना भावें उहदे कोल अरबां रुपये होण, वो बंदा अमीर है जिहदे कोल माँ बाप है, भावें 2 टाइम की रोटी उहनूं मिलदी है बड़ी मुश्किल नाल, लेकिन वह बंदा अमीर है, माँ बाप की खिदमत करता, माँ बाप के पैर ते घुटदा है, शामां नूं माँ बाप की खिदमत करके ते माँ दे बाप दे कोल बहिंदा ते है, वो बंदा अमीर है। चाहे जमाना केड़ा भी है, बंदे आंदे ने जमाना तरक्की दा, यह जमाना कादे तरक्की दा, ये तरक गई है, तरक्की नहीं है तरक गई है, तरक्की 1400 साल पिछा जाओ, अगां जाण नाल नहीं, 1400 साल पिछा जाण नाल है। सोचो लोग माँ प्यो नूं धक्के मारदे सन, और माँ प्यो नाल अलग गल्लां करदे सन, नहीं प्यार करदे सन, उहनां लोकां दे नां ने की कीता सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे वैस नूं कहा जी मेरी उम्मत वास्ते दुआ करे। क्यों क्या की कीता? हज़रत वैस करने ने की कीता? ट्रक ज़्यादा चलते सन, जमीन ज़्यादा सी, सोने के पहाड़ सन उहदे कोल, नहीं खजाने ज़्यादा सन, नहीं की सी, किहड़ा कारनामा उहने कीता जिहदे वास्ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि वैस नूं कहा जी मेरी उम्मत वास्ते दुआ करे? उहने कारनामा यह कीता सी कि माँ की इस कदर खिदमत की सी कि जदों हाथ चुकता सी जिहड़ी दुआ करता सी हाथ चेहरे ते आउण तो पहलों अल्लाह ताला उहदी कबूल कर देंदे सन। इन्नी माँ की खिदमत की सी हज़रत वैस करनी ने। असी हज़रत वैस करनी नहीं बन सकते, उन्होंने पैरों के जुत्ती की धूल वर्गे भी नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करिए असी उन्होंने अदावां बनाइए। जिहड़े बंदे आंदे ने कम बड़ा औखा, दीन बड़ा औखा, दीन एडा औखा नहीं जिड्डा कर छड़िया, दीन च आसानियां बड़ियां, दीन ते सानूं इह आंदा कि जन्नत तुहाडे घर है हासिल कर सको, असी माँ प्यो नूं धक्के मार के तो जन्नत कित्थों लब्भांगे? जन्नत नहीं मिलती, जिन्नियां मर्जी नमाज़ा पढ़ो, जिन्नियां मर्जी सकाफतां करो, जिन्ने मर्जी रोज़े रखो, जिन्ने मर्जी उमरे हज करो, कोई काबिल कबूल नहीं। क्यों? जिन्ना तक माँ बाप तुहाडा खुश नहीं सब हाले का कम, तो वहाला मेरे मालक नूं पसंद नहीं। ठीक है, अज तुसी जवान हो कल बुढ़े होवोगे, माँ बाप की खिदमत करिया करो, भैन भाइयों की इज्जत करिया करो, वक्त को नहीं है पर तक आना, यह गुजर जाना टाइम, ये भुलेखा लग गया सानू कि जिहड़ा बंदा मरदा सी आने यार की मौत आ गई है। कोई बंदा पुछदा यार नेक काम करना, चलो कोई गल नहीं हजे केड़ा साडा बड़ा टाइम पिया है, की टाइम पिया है, सा आए आए ना आए तो ना सिर्फ इन्नी कु बहादरी है बस।
सो गल है भाई मेरे दोस्तों सज्जनों मित्रों अपने माँ बाप की खिदमत करया करो। जन्नत तुहाडे घर है, जिन्हें माँ बाप की खिदमत ना की उन्हें की खटिया दुनिया तो। बड़ी मेहरबानी अपने माँ बाप की खिदमत करया करो, भैन भरावान का एहतराम करया करो। ये दुनिया चंद दिन का मेला, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, किसी को थोड़ा आया किसी को बहुत आया गुजारा हो गया। गल यही है जेड़े गरीब ने उन्होंने घर ईमान है, जेड़े दौलतमंद ने ईमान तो खाली हो गए ने, रौला ही नहीं पै बस होर कोई गल नहीं कोई बात नहीं। दो चीज़ा एक चीज़ रही दो चीज़ों तो या ईमान रहा या दौलत या दीन या दुनिया। बस अज दीन माड़िया लोगों को रह गया, तगड़े लोग उस नहीं बस आसान करके सौ जाने। असं नमाज पढ़िया करो, माँ बाप की इज्जत करया करो। ओके, सलाम अलैकुम।